मैं लोगों के लिए नाम मेरा अहमदेशा है, काम मेरा लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलना है और रहने वाला हिंदुस्तान का हूं। हेलो, आज मैं इस चीज का वादा करके जा रहा हूं आपसे, एक चीज का मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि इस हॉल के अंदर आप आ गए हैं, नए हैं पुराने हैं, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं फसलों का टाइम है और किसी दोस्त ने जिद कर ली है, अभी 1000 में तो मिलता नहीं एक व्यक्ति, खेतों का टाइम इतना फसलों का टाइम में अब आप आ गए हैं। लेकिन एक चीज का मैं वादा करता हूं, बिहार को छोड़ के जाने की हिंदुस्तान में किसी स्टेट में जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को काम करने के लिए, बिहार छोड़ के बाहर स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा और जिंदगी में आने वाली पीढ़ियों को गेहूं काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज का वादा करता हूं। भारत की प्रमुख उद्योजक कंपनी फ्यूचर मेकर के संस्थापक और MD हैं और उनके साथ ही वे एक महान मार्केटिंग विशेषज्ञ, प्रेरणादायक वक्ता और परोपकार के सिद्धांत पर चलने वाले युग पुरुष हैं। राधे श्याम द्वारा स्थापित फ्यूचर मेकर कंपनी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण भी है। राधे श्याम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया। यही कारण है कि एक छोटी सी उम्र में ही वे एक महान उद्योजक बनने में सफल हुए। अपने व्यवसाय की शुरुआत में दर्जी से लेकर उन्होंने रियल एस्टेट तक में अपनी किस्मत आजमाई, परंतु उन्होंने जल्द ही समाज में गहरी बैठी असमानता को भांप लिया और उसे बदलने की ठान ली, और इसलिए उन्होंने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद कुछ ही सालों में एक सफल उद्योजक कंपनी फ्यूचर मेकर की स्थापना हिसार में की। उनके व्यक्तित्व की एक विशेष बात जो सबको उनकी तरफ आकर्षित करती है वो यह है कि साधारण किसान परिवार में होने के कारण उन्होंने अधिक पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने उद्योजक के रूप में अपना एक विशेष स्थान बनाया। इतनी सफलताओं के बाद भी उनका सादगी से जीवन यापन करने का तरीका और असाधारण मानव बनाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके द्वारा स्थापित फ्यूचर मेकर से जुड़े 4000 से अधिक साथी आज करोड़पति हैं, 17000 से अधिक साथी आज लखपति हैं। ये बात सिद्ध करती है कि वे साधारण जीवन जीने में ही विश्वास करते हैं और साथ ही उन्होंने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, अपितु अपने साथ समाज के निचले वर्ग से आए और उनके जैसे सभी साधारण व्यक्तियों तक पहुंचाया। बात यहीं समाप्त नहीं होती, वे सामाजिक कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एक वाक्य में उनके द्वारा संचालित सामाजिक कार्यों को बताना आसान नहीं है, किंतु उनके द्वारा संचालित सामाजिक कार्यों में कुछ विशेष प्रकार है, जैसे मदर रसोई। भारत के अनेक राज्यों में संचालित यह कार्यक्रम रोजाना लगभग 500 से 1000 गरीब लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है। रक्तदान शिविर, कई सौ शिविरों में हजारों ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करके नए कीर्तिमान स्थापित किए। वृक्षारोपण, करोड़ों की संख्या में अनेक राज्यों में वृक्ष लगा वातावरण को स्वच्छ बनाने की पहल। विद्यालय निर्माण, लगभग 10 से अधिक गरीब छात्रों के लिए स्कूलों का निर्माण करवाया गया। 1000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह उनके द्वारा किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले राधे श्याम फ्यूचर मेकर कंपनी द्वारा दूसरे देशों में भी गरीब लोगों की सहायता करना चाहते हैं और इसके लिए वे जल्द ही फ्यूचर मेकर को भारत से बाहर भी स्थापित करने जा रहे हैं। राधे श्याम हमेशा से ही ये मानना है कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, और इस सोच ने उन्हें फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। आज उन्हें देखकर हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, बस उनकी प्रतिभा एवं परोपकारी सोच ही काफी है।